नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि योनो लाइट SBI ऐप्स को फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का मैं एक खास बात आपको बता सकता हूँ, प्लस पॉइंट जो कि आप मान सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आप ATM से पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपका ATM कार्ड जो है घर में ही आप भूल गए हैं, तो इस एप्लीकेशन के मदद से आप जो है सिर्फ स्कैन करके जो है ATM से पैसा निकाल सकते हैं QR कोड की मदद से। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको नीचे जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का, आप उस वीडियो को देख के उस फैसिलिटी का योनो लाइट SBI से आप जो है लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे किया जाता है योनो लाइट SBI में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, वहीं पे सारा कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। पहले आप प्ले स्टोर से योनो लाइट SBI को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहां पे पूछा जाएगा यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद यहां पे सबमिट का एक ऑप्शन है, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास यूजर और नेम और पासवर्ड नहीं है या भूल चुके हैं तो आपको जो है नीचे लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को देख के यूजर नेम भुला हुआ निकाल सकते हैं या पासवर्ड भी भुला हुआ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, यूजर नेम इसमें इंटर करके उसके बाद पासवर्ड इसमें इंटर करते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसको इस जो बॉक्स में इस पर क्लिक करके टिक कर देना है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP के द्वारा जिसे कहा जाता है इंटर एक्टिवेशन कोड, तो वो आएगा, उसको जो है आप यहाँ पे इंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। OTP को यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल, यानी कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसका आपको कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आप जो है लॉगिन करके जो है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप अपने अकाउंट में जा सकते हैं। फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका योनो लाइट SBI का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट टाइम ये आप जान गए कि कैसे लॉगिन करना है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो व्यू बैलेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस दिखा दिया जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ कर सकते हैं, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद फंड ट्रांसफ़र, उसके बाद माई अकाउंट में जाके आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो ये सब वीडियो मैं सारा जो है बना चुका हूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं QR कैश विंडो, यानी कि अगर आप ATM कार्ड अपने घर पर भूल जाते हैं तो आप जो है ATM में जाके स्कैन करके QR कोड की मदद से आप पैसा निकाल सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं योनो लाइट SBI में। तो दोस्तों आप इसी तरीके से फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी और टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।